कैसा हो आपका जो इंजन है जो 20 रास्ते में बंद पड़ जाए और उससे निकलने लग जाए धुआं, यही हुआ मेरी फर्स्ट ट्रिप के दौरान। तो हेलो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की फर्स्ट ट्रिप पर, सोलो ट्रिप होने वाली है और मैं जा रहा हूँ शिमला ट्रिप पर। और मैं आ जाता हूँ 43 सेक्टर में और यहाँ से हम बस लेते हैं। टाइम हो चुका होता है 6:30 बजे और 6:30 हमारी जो बस है वो चल पड़ती है अपने सफ़र के लिए। और मैं जा रहा हूँ कालका के लिए, मेरी जो ट्रिप होने वाली है कालका तक होने वाली है बस से। बस से आगे हम जाएंगे टॉय ट्रेन में और टिकट प्राइस होता है 45 रुपीज़ कालका तक का। और देखते देखते मैं पहुँच जाता हूँ कालका और हमारी जो बस है वो हमें छोड़कर चली जाती है कालका बस स्टैंड पर। और यहाँ से जो खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा होता है कालका सिटी का और सामने पहाड़ दिख रहे होते हैं, और यहाँ से जो दूरी है स्टेशन की जो दूरी है वो 200 से 300 मीटर दूर है, इतना दूर नहीं है। मैं चलकर चला जाता हूँ और यहाँ पर एक ट्रेन जा रही होती है जो कि दिल्ली के लिए निकल रही होती है। कालका स्टेशन में पहुँच जाता हूँ। इतों आप फड़नी होना आप अपनी टॉय ट्रेन या नॉर्मल स्टेशन जो कि दूसरी ट्रेन का जो कि हावड़ा एक्सप्रेस लगी हुई है। सुबह के बजे हैं 8 और कालका स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखेगा आपको, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं दिख रहा, गाड़ी लगी हुई है और कालका को स्टेशन इस तरह से दिखता है, बढ़िया है। बट इस समय सच में जबकि नॉर्मल स्टेशनों पर इस समय भीड़ होती है, बट कालका स्टेशन एक अलौता स्टेशन है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है आपको। सुबह अभी हमें जाना है टॉय ट्रेन, हमारा स्टेशन जो है उस तरफ पड़ता है बिल्कुल उस साइड, हमें जाना है यहाँ से जाते हुए ऊपर से उस तरफ जाना है ट्रेन के उस पार और वहाँ पर स्टेशन है हमारा टॉय ट्रेन का। और हमारी जो ट्रेन है अभी हमें बजे हैं 8, हमारी ट्रेन है 11:50 पर, तो अभी बहुत टाइम है। तो ये है कुछ कालका टॉय ट्रेन का स्टेशन का कुछ लुक। और इसी पटरी पर जो हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर हमारी जो ट्रेन है वो आएगी और हम मैं समय से पहले आ चुका होता हूँ, इस वजह से हमारी ट्रेन अभी कुछ जो है यार्ड में लगी हुई है, सामने दिख रही है वही ट्रेन जो है वो आएगी यहाँ पर। अभी वो उसकी धुलाई हो रही है, वो साफ़ सफाई हो रही होती है और फिर क्या मैं वेट करने लग जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत पड़ा होता है और खाना भी खा लेता हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। और बस मुझे अभी वेट करना होता है कि कब 11 बजेगी, कब 11:50 होंगे और कब हमारी ट्रेन चलेगी। तो देखते देखते हमारा जो टाइम जो है कुछ इस तरह से बीतता है और देखते देखते 11 बजे के आसपास, तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी ट्रेन जो है लगने के लिए जो प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। और इसी ट्रेन में आज का जो हमारा सफ़र है वो होने वाला है। इस ट्रेन को कहते हैं हिमालय क्वीन और ये तकरीबन 11:50 पर चलती है कालका से, तो इसका सफ़र हम ज़रूर इन्जॉय करेंगे और कभी ना कभी आप सभी को भी इसका जो सफ़र है इन्जॉय करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ऐसी जगह से निकलने जाती है पहाड़ों के बीच में, तो मज़ा आ जाता है। तो ये देखते देखते हमारे सामने जो प्लेटफॉर्म पर लग जाती है और सभी यात्री इसकी वेट कर रहे होते हैं कब लगे और कब हम, और सब लोग वेट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कब हम ये ट्रेन चले और कब हमारी जर्नी जो है शुरू हो। पर ये सिर्फ इंजन जो आया था ये सिर्फ लगाने के लिए आया था ट्रेन यहाँ पर, और इससे जब तक ट्रेन नहीं चलती तब तक इंटीरियर देख लेते हैं। तो अंदर से ये कुछ ऐसी दिखती है, इसमें टॉयलेट भी है, आप अगर टॉयलेट जाना चाहो वॉशरूम जाना चाहो तो छोटा सा वो टॉयलेट है वो भी कर सकते हो, बाकी इधर भी है। तो एक छोटे से डब्बे में जो टॉयलेट है वो दो हैं, एक इधर है एक उधर, वो टॉयलेट हैं दो हैं छोटे से डब्बे में, दो टॉयलेट हैं जो दिए गए हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपर क्लास कुछ इस तरह से दिखता है। वो था सीसी नॉर्मल क्लास, ये अपर क्लास है, इसमें एक टॉयलेट मिलता है और यहाँ पर आपको बैगेज रखने के लिए एक जगह भी दी जाती है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, बट अपर क्लास में नंबर्स नहीं होते इसलिए ये लड़का जो है सीट ढूंढ रहा था। देखते देखते हमारा इंजन जो 11:30 बजे के आ जाता है जो कि हमें
हमारी जर्नी में हमारा साथ देगा, तो ये वाला इंजन जो है आ जाता है। और यहाँ पर आपको शताब्दी एक्सप्रेस दिख रही होती, क्योंकि यही ट्रेन जब आती है उसके बाद ही हमारी जो ये वाली टॉय ट्रेन है वो चलती है। अगर आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शताब्दी में आना चाहिए, उसके बाद ये ट्रेन की जो जर्नी है वो शुरू होती है। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे दे, बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, तुम्हाके चाहिछी आरो बेशी की कोरे बुलबो बालो बाशी। के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है, तुम्हारे टूटे मुझकी हसी आमी बड्डो भालो बाशी। और हमारा सफ़र चल ही रहा होता है और हमारा जो इंजन है वो रास्ते में बंद पड़ जाता है और धुआं निकलने लग जाता है और सब लोग डर जाते हैं। बट अच्छी बात ये थी कि इंजन में जो इंजीनियर थे वो साथ ही थे, और इंजन के आगे कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे वो प्रेशर नहीं बना पाता और प्रेशर की वजह से वो बंद पड़ जाता है, धुआं निकलने जाता है। बट हमारे जो इंजीनियर थे साथ में थे, उन्होंने उसको फिक्स किया, जल्दी ठीक किया और हमारी जो जर्नी है फिर से दोबारा स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है और हमारा इंजन फिर से दोबारा चल पड़ता है। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, तुम्हाके चाहिछी आरो बेशी की कोरे बुलबो बालो बाशी। के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है, तुम्हारे टूटे मुझकी हसी आमी बड्डो बालो बाशी। देखते देखते मैं आ जाता हूँ शिमला, और आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे मैं शिमला घूमता हूँ, कितना खर्चा आता है, रूम कितने का मिलता है, तो आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।